नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज का वीडियो है उन चार मूवीज के ऊपर जिसका इंतजार हर इंडियन मूवी लवर अपने आंख और कान उठाए बेसब्री के साथ कर रहा है। उन मूवियों का नाम है क्रिश 4, सलार 2, बाहुबली सीरीज एंड लाहौर 1947। और आज हम उन मूवियों के शूटिंग एंड रिलीज अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सो देन इस बात पर आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बाहुबली के इस न्यूज से हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं। मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने यह ऐलान किए थे कि बाहुबली 2 के बाद एक और नया चैप्टर खुलने वाला है। हालांकि बाहुबली 2 रिलीज होकर 7 साल हो चुके हैं और उस नए चैप्टर का नाम है बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। वेल, ये नया चैप्टर एक एनिमेटेड सीरीज का रूप लेता है जो बाहुबली यूनिवर्स को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, जिसमें आप लोगों को नए कैरेक्टर्स से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। और आज हमने हॉटस्टार पर करीब 3 बजे बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड का ट्रेलर देख चुके हैं। देखने के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरा मतलब इसकी कहानी जो है, मुझे लग रहा है कि इसकी कहानी बाहुबली द बिगिनिंग से भी थोड़ा ज्यादा पुराना है, क्योंकि बाहुबली 2 में भलाल देव की इंतकाल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर भलाल देव जिंदा है और बाहुबली एंड भलाल देव के बीच भाईचारा भी जिंदा है। और यहाँ पे एक और विलेन की एंट्री होती है, उसका नाम है रक्तदेव। यहाँ तक तो सब ठीक है, दोनों सूरवीर बाहुबली एंड भलाल देव रक्तदेव के साथ युद्ध करेंगे और रक्तदेव को अपनी जगह पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर देखकर हमें पता चला है कि रक्तदेव के सेना के सेनापति हैं कटप्पा, जो कभी महिष्मति सेना के सेनापति थे और सभी सेनाओं के गुरु भी थे। लेकिन यहाँ पर धोखा एंड कॉन्स्पिरेंसी का घोटाला है। अब देखने की बात यह है कि ये धोखा किसके लिए है, महिष्मति के लिए है या फिर रक्तदेव के लिए है। बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड एक एनिमेटेड सीरीज होने के बावजूद इसका स्टोरी टेलिंग बहुत ही एंगेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार ये सीरीज देखनी बनती है। आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वेल, बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड हॉटस्टार पर 17 मई को रिलीज हो रही है और फिर एक और नई उम्मीद जागेगी कि शायद कभी ना कभी बाहुबली 3 भी हमारे नजरों के सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे वीडियो के अगले न्यूज की तरफ, जो है अबाउट लाहौर 1947 मूवी के बारे में। वेल, ये फिल्म बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की जोड़ी द्वारा बनाई जा रही है, जिनके साथ सनी देओल भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म विभाजन के दौर को दिखाएगी और उस दौरान लोगों के स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस को पर्दे पर जीवंत करेगी। ये कहानी देशभक्ति से भरपूर होगी और एक व्यक्ति के भारत के लिए अटूट प्यार को दर्शाएगी। लाहौर 1947 को रिपब्लिक डे 2025 पर रिलीज किया जाएगा, जो फिल्म के राष्ट्रीय गौरव और एकता के विषय के साथ एकदम सटीक बैठता है। फिल्म में सनी देओल की वापसी, जो गदर 2 की सक्सेस के बाद बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है, दर्शकों की इंटरेस्ट को और बढ़ा देती है। और इसके अलावा आमिर खान की स्पेशल अपीयरेंस इस फिल्म को लेकर फैंस की बेताबी को भी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, लाहौर 1947 को जरूर देखें, जो साल 2025 के रिपब्लिक डे पर आपको एक यादगार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। तो दोस्तों, अब हमारे वादे के मुताबिक अब चलते हैं हमारे तीसरे न्यूज की तरफ, जो है सलार 2 के बारे में। तो दोस्तों, जरा याद करो सलार पार्ट 1 सीज फायर के बारे में, जो एक एक्शन पॉलिटिक्स से भरी एक जबरदस्त मूवी है, जो दिसंबर 2023 पर रिलीज हुई थी। तब मेकर्स ने बिना टाइम को वेस्ट किए हमें कंफर्मेशन दे दिए थे कि सलार का सेकंड पार्ट सलार 2 यानी सोरियंग प्रवम रिलीज होगा। उसके बाद जनवरी 2024 में एक न्यूज आई थी कि मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ये कंफर्म किया था कि मूवी की 40% तक का शूटिंग खत्म हो चुका है। लेकिन तब की बात तब थी, अब सुनने में आ रहा है कि इस मूवी का शूटिंग की शुरुआत इसी मंथ से होगी, यानी मई 2024 से। वेल दोस्तों, सलार सीज फायर मतलब सलार का फर्स्ट पार्ट में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था एक डेंजरियस वर्ल्ड से, जो है खानसार सिटी। और सलार 2 हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि जो भी सलार 1 में हुआ था वो सिर्फ ट्रेलर था, अब पिक्चर शुरू होगी। और इस पार्ट में आप लोगों को दिखाया जाएगा प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन, जो पहले पार्ट में दोस्त थे, अब इस सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं। और उसमें दिखाया जाएगा कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स
ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। और आप एक्शन की बात आप पूछो ही मत, क्योंकि सलार 2 में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस भर भर कर रहेगा जो सलार 1 में नहीं था। और अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट के ऊपर 3 महीनों से काम चल रहा था और मेकर्स ऑडियंस एंड क्रिटिक्स का भी फीडबैक सीरियसली ले रहे थे, जिसके वजह से मूवी का डिलीवरी पावरफुल और इम्पैक्टफुल रहे। जब से शूटिंग अपडेट्स हमारे हाथ लगे हैं तब से ये कंफर्म हो चुका है कि स्क्रिप्ट का काम खत्म हो चुका है और अब शूटिंग मई 2024 से शुरू होगी हैदराबाद में। और पहली शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी से होगी, फिर उसके बाद हैदराबाद के कुछ डिफरेंट पार्ट्स में भी इसकी शूटिंग होगी। और हैदराबाद पर इस मूवी की शूटिंग 10 दिनों के लिए होगी और उन 10 दिनों में प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों एक साथ शूटिंग करेंगे। फिर उसके बाद बेंगलोर में बाकी शूटिंग किया जाएगा और फिर फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक शूटिंग ओवर हो जाएगी। फिर उसके बाद मूवी चली जाएगी पोस्ट प्रोडक्शन में और मेकर्स उम्मीद लगाए हैं कि मूवी रिलीज होगी दिसंबर 2025 को, ठीक सलार के सेकंड एनिवर्सरी पर। अगर हम कलाकारों की बात करें तो ये रहे पुराने कलाकार जो सलार 1 के बाद सलार 2 में भी नजर आएंगे और बाकी कुछ नए कलाकार भी सलार 2 में नजर आएंगे। लेकिन कौन से नए कलाकार नजर आएंगे अभी तक हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मगर कुछ र्यूमर है वो भी आप लोगों से शेयर कर देते हैं। र्यूमर 1, सलार 2 मूवी में अमिताभ बच्चन जी का एंट्री होने वाला है, जिनका कैरेक्टर नेम होगा धारा। सेकंड र्यूमर, इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग रहेगा जिसमें कियारा आडवाणी नजर आएंगी। एक और र्यूमर ये है कि सलार 3 मूवी भी आने वाली है। हाल ही में कुछ महीने पहले प्रशांत नील की वाइफ निकिता, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर Q&A सेशन किया था जिसमें उन्हें कुछ फैंस ने क्वेश्चन पूछे थे जैसे कि डू वी हैव सलार पार्ट 3, तब रितिका का जवाब था कि वी विल नो एंड ऑफ सौरंग प्रभम। वेल, अगर ये न्यूज अगर सत्य है ना दोस्तों, तो आप लोग कह सकते हो कि सलार टीजर था, सलार 2 ट्रेलर है और पूरी मूवी आप लोगों को सलार 3 में देखने को मिलेगी। सलार 2 आया नहीं लेकिन सलार 3 आने वाला है, इससे पता ये चल रहा है कि सलार सीरीज कितनी बड़ी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट न्यूज की तरफ, वो है अबाउट क्रिस 4। फैंस ये सुनकर खुश हो जाओ कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऋतिक रोशन क्रिस के रूप में वापस आ रहे हैं। वेल, शुरू शुरू में कुछ कंफ्यूजन था कि फिल्म बनेगी या नहीं, क्योंकि राकेश रोशन जी की हेल्थ की वजह से शूट पोस्टपोन हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ आनंद के अनाउंसमेंट ने सब फैंस को राहत दे दी है कि चिंता मत करो, फिल्म बनेगी जरूर। अब ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि क्या सिद्धार्थ आनंद क्रिस 4 के डायरेक्टर होंगे, क्या सिद्धार्थ आनंद राकेश रोशन जी को रिप्लेस करेंगे क्रिस 4 में। ऐसे होने पर यह सिद्धार्थ और ऋतिक का चौथा कोलैबोरेशन होगा। उन्होंने वॉर, बैंग बैंग, फाइटर जैसी हिट फिल्मों में साथ में काम किया है। रिपोर्ट ये भी है कि ऋतिक रोशन क्रिस 4 की स्टोरी को सेफ देने में भी एक्टिव रोल निभा रहे हैं। वो वॉर 2 पर काम करते हुए ही अपने फादर और एक्सपीरियंस्ड राइटर की टीम के साथ मिलकर इस फिल्म के प्राइमरी कंसेप्ट को फाइनलाइज करना चाहते हैं। वेल, स्टोरी की डिटेल तो अभी तक सीक्रेट है, लेकिन पहले ऐसे र्यूमर थी कि क्रिस 4 इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के थीम को एक्सप्लोर करेगा। वेल, 2024 में प्राइमरी कंसेप्ट फाइनलाइज होने के साथ 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तैयारी चल रही है। क्रिस सागा के इस लेटेस्ट चैप्टर का इंतजार और बढ़ गया है। अगर इस हिसाब से चलेगा तो मे भी शायद क्रिस 4 साल 2028 तक रिलीज हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। वेल दोस्तों, एट लास्ट मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि इन चारों मूवियों में से आप लोग किस मूवी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।